पाकिस्तानी परिवार के द्वारा कदम निवास के सामने आयोजित होते आ रहा है। इस परंपरा को कायम रखा है नगर सेविका भावना कदम ने। आधार महिला शक्ति संगठन और लॉयंस क्लब गोंदिया सिविल के द्वारा परिसर के बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए धूमधाम से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सिविल लाइंस परिसर के करीब 300 बच्चों ने हिस्सा लिया। इन बच्चों की और नंदी की विधिवत पूजा अर्चना की गई और प्रसाद भी बांटा गया। वैसे ही गांधी वार्ड में भी ताना पोला का आयोजन किया, वहां पर भी 150 बच्चों का उत्साह बढ़ाया। बाद में सभी बच्चों को प्लास्टिक के डब्बे भेंट स्वरूप दिए गए। इस अवसर पर सीमा बैतूले, अनिता चोरावर, मित्तल बेस, मंदा गायधने, प्राजक्ता मिश्रा और गांधी वार्ड में अंकुश वै, धनंजय वै, संदीप डोंगरे, गौतम गणवीर, महेश ठवरे, हर्ष रणगिरे, रमा वैद्य ने सहकार्य किया। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में सामाजिक मार्गदर्शक सविता बेदरकर, नीला ढोक ने मार्गदर्शन किया। भावना कदम ने कहा कि मेरा प्रभाग नहीं, यह मेरा परिवार है और मैंने सभी से सामाजिक रिश्ता बनाया है। इस रिश्ते को आजीवन कायम रखते हुए मैं अनेक सामाजिक उपक्रम इस प्रभाग में करती रहती हूँ, जिसमें आप लोगों ने भी सहकार्य किया, इसलिए आपकी आभारी हूँ। कार्यक्रम का उत्कृष्ट संचालन पल्लवी भुजाड़े ने किया और सभी का आभार भावना कदम सीमा बैतूले ने माना। सभी बच्चे कान्हा के रूप में सद्धत से आए थे। परिसर की महिलाओं ने और बच्चों ने इस आयोजन का बहुत आनंद लिया, जिसकी चर्चा परिसर में थी। यह विशेष था। गोंदिया से BCN न्यूज के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।